वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। टीथ आर द विंडोज टू द सोल एंड ब्यूटीफुल टीथ ब्रिंग स्माइल्स ऑन आवर फेसेस। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी रिनॉन्ड डेंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, मिस्टर परमिंदर सिंह ग्रोवर। ही इज कंसल्टेंट डॉक्टर एट SPS हॉस्पिटल्स। ही इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन एज वेल एज ही इज डायरेक्टर एट ग्रोवर डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर डुगरी लुधियाना। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हिम। Hello sir, welcome to Times Punjab TV. Thank you so much for welcoming me and ye interview ke liye bhi aapka bahut bahut thank you. Sir, first of all, please introduce yourself in your words. Yes, I am Dr. PS Grover and I am consultant at SPS Hospital. आपको पता ही होगा वो tertiary care center है जहाँ पे एकदम latest और सबसे advanced techniques हैं, and मैं president elect हूँ Dental Association Ludhiana branch के लिए। I'll be taking over the seat this year end. एंड प्लस आई एम एन कंसल्टेंट इम्प्लांटोलॉजिस्ट। रिसेंटली मैं वैसे भी एडवांस कोर्सेज करता रहता हूँ, रिसेंटली मुझे फेलोशिप मिली है इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर ओरल इम्प्लांटोलॉजी, जो सबसे रेप्यूटेड सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है USA की। वो 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी एंड ओवर 90 कंट्रीज में है एंड लोग दूर दूर से आते हैं। इट्स वेरी रिनाउंड एंड वो एक लेना एक बहुत बड़ी बात है। सो आई माई सेल्फ वेंट टू न्यूयॉर्क to take this fellowship. I am the only one from Punjab this year to take this fellowship. Sir, coming back to you. Hello ma'am. How are you? I am fine. Aap sunao. Fine ma'am. Now please introduce yourself in your words. I am taking care of the HR and the PR department of Dr. Grover Dental Clinic. So jo bhi doctors है वो मैम, प्लीज मेंशन योर रिलेशन आल्सो, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। माय वेरी गुड फ्रेंड शिप्रा, नॉट विद मी, विद सर। विद सर आई एम द वाइफ ऑफ डॉक्टर ग्रोवर, मिसेस ग्रोवर, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द HR एंड द PR डिपार्टमेंट। आई टेक केयर कि सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हमारे क्लिनिक में हो और अच्छे से अच्छी सर्विसेज पेशेंट्स को मिल सके। एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग इयर्स यू आर गिविंग सर्विसेज टू योर क्लिनिक? Actively I have started from 2 years. Yeah. तो कैसा लगता है आपको जब आप अपने हस्बैंड के साथ, कहते हैं ना कि हाथ से हाथ मिला के चलना, कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जो ट्रू रिलेशनशिप है लाइक हस्बैंड वाइफ का, कहते हैं अर्धांगिनी का वो जो है वो इसमें पूरा हो रहा है साथ साथ में। हाँ, तो हम कह सकते हैं घर पे नहीं मिलता वो, यहाँ पे मिल जाता है क्लिनिक पे। तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ सीख रहे हैं डेंटल प्रोफेशन से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मैंने MBA की है। Okay. इसी फील्ड में ही की है। Okay. HR में ही, तो फिर दैट्स व्हाई मतलब मेरा इसमें ही रोल है। बाकी डेंटल का काम जो है वो डॉक्टर साहब देखते हैं और डॉक्टर्स हम लोग अपॉइंट करते हैं जो कि स्पेशलाइज डॉक्टर्स हैं। Okay. ताकि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट अंडर अ रूफ, चाहे RCT हो चाहे ऑर्थो हो, सबके लिए हम लोग ने अलग डॉक्टर्स रखे हुए हैं जो टेक केयर करते हैं। Okay, तो बाकी सर का सुपरविजन तो रहता ही रहता है सारा देखने के लिए। तो मैम, जैसे सर इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आए हैं तो प्रोबेबली आपने घर पे तो बहुत अच्छा विश उनको किया ही होगा, ऑन स्क्रीन कैमरे के सामने आप उनको एक अच्छी सी विश दे दीजिए। ही ऑलरेडी नोज इट, इन फ्रंट ऑफ कैमरा वी वांट। और ऐसे अचीवमेंट्स करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और साथ साथ में हम लोग भी खुश साथ में ही होंगे जब अचीवमेंट्स होंगी। थैंक यू सो मच मैम। नाउ सर, लेट्स मूव ऑन टू सम जनरल क्वेश्चंस। आप ये बताइए सबसे पहले, आपको इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? मैंने अपनी BDS जो है 2003 में कंप्लीट की थी। अगर हम मोटा मोटा बताऊं मैं आपको, तो 20 इयर्स प्लस हो गए हैं मुझे इस प्रोफेशन से जुड़े, एंड जिसको कहते हैं कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय जॉब। एंड इनिशियली जब मैंने एंट्रेंस अपना क्लियर किया था एंड आई गॉट दिस प्रोफेशन एज अ डेंटिस्ट, तब मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता था, बट स्लोली स्टडली विद टाइम आई एम सो पैशनेट अबाउट इट, लाइक मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती और मेरे लिए। एंड जैसे हम पेशेंट को सबसे ज़्यादा तब हमें सेटिस्फेक्शन होती है और तसली होती है जब हम पेशेंट की पेन रिलीफ करते हैं। जब पेशेंट की पेन रिलीफ होती है एंड द एक्सप्रेशंस दैट दे हैव इन ऑन देयर फेस, इट्स माइंड ब्लोइंग। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पेशेंट कितना खुश होता है, खासकर वो वाले पेशेंट्स जिनके क्या कहते हैं दांत नहीं होते, फुल माउथ हम डेंचर्स, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स देते हैं जो मेरी स्पेशलिटी है। तो वो पेशेंट्स के फेस पे जो रिएक्शंस आते हैं जब वो पूरे दांत मुंह में टीथ आते हैं और फुल स्माइल आती है, वो अनबिलीवेबल है।
And so was it your ambition to become a dentist or it was your parents' ambition? I got inspired from my brother. My brother is a kidney specialist. तो शुरू से ही हमारे घर में my father is an engineer, but हमारा शुरू से ही हम दोनों brothers का था कि हम doctor वाली ही line पे जाना है हमें. Because life saving, किसी की life saving या किसी की pain saving अगर चीज़ जो है उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है. तो ह्यूमैनिटी के लिए अगर आप कुछ भी करते हो, हम वी डू चैरिटेबल वर्क ऑल्सो, हम कैंप्स वगैरह भी लगाते रहते हैं. लाइक आई सेड, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ डेंटल एसोसिएशन के लिए, तो हम उसके लिए भी कम्युनिटी सर्विस भी करते रहते हैं. तो कम्युनिटी सर्विस के लिए हमें जो टाइम मिलते हैं हम करते हैं, और मेरे को लगता है उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है. पैसा तो एक साइड चीज़ हो ही जाती है. वाई डिड यू चूज डेंटल लाइन रादर देन एनी अदर मेडिकल लाइन? डेंटल लाइन इस करके बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी कनेक्टेड विद क्या कहते हैं पेशेंट्स वन टू वन. पेशेंट्स मीन्स ह्यूमन लाइफ वन टू वन. एंड शुरू से ही हमें ये चीज़ अट्रैक्ट की है. वी वर नॉट अफ्रेड ऑफ ब्लड, वी वर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट. शायद कहीं पे हमारे प्रिंसिपल या हमारे टीचर्स ने भी हमें प्रोत्साहित किया कि हम ह्यूमन काइंड को ही आगे लुक फॉरवर्ड करें. तो मेरे को लगता है शायद यही रीज़न है कि मैंने डेंटल लाइन चूज़ की. And how would you describe your educational experience? Educational experience like your degrees and all, aap sab mention kar dijiye. I did my graduation from Himachal Dental College, Sundar Nagar. I got selected through government quota. थ्रू गवर्नमेंट कोटा आई क्लियर्ड माई एंट्रेंस. और उसके बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग होती रही मेरी. मैंने ऑर्थो में भी एडवांस ट्रेनिंग की, और मैं स्टार्टिंग फिर उसके बाद 2011 से आई स्टार्टेड द इंटरनेशनल अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम इंटरनेशनली. 2011 में मैं दुबई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ. 2013 में मैंने USA में कॉन्फ्रेंस अटेंड की. फिर लास्ट ईयर मैं एडवांस ट्रेनिंग इम्प्लांट्स की इसराइल से, और इस बार मैंने ये फेलोशिप ली है वहाँ पर. जो वर्ल्ड ओवर रिप्यूटेड सबसे रिप्यूटेड डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट थे वो सारे इकट्ठे हुए थे, और वो एक समा और वो एक स्टेज देखने का ही, वो नज़ारा अलग ही है उसको देखने का. और वो बहुत कम ही ऐसे होता है कि सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े डेंटिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए. वो उनके इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, उनकी 30-30 साल की स्टडी है जिसपे उन्होंने नई रिसर्चेज की हैं, उनकी वहाँ पर बुक्स अवेलेबल थी, वो ऑथर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ मुझे खड़े होने के लिए और ये ट्रॉफी लेने का एक क्या कहते हैं वो अपॉर्चुनिटी मिली. एंड सर, हाउ वुड यू टैकल इमपेशेंट एंड अनकंफर्टेबल पेशेंट्स एट योर क्लिनिक? यस, उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने मेरे पास एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टाफ है. तीन बहुत सुंदर क्या कहते हैं एसोसिएट डेंटिस्ट हैं जो सुंदर मतलब उनकी ब्यूटी देख के सबका पेन गायब हो जाता है, हम कह सकते हैं. आप ये कह सकते हो क्योंकि वो बहुत पेशेंट हैं बेसिकली. वो उनमें पेशेंस बहुत है, तो वो गर्ल्स में ना पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है रादर देन बॉयज. तो सबसे ज़्यादा पेशेंस उनमें होता है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, तंग होते हैं. तो नॉर्मली हम उनको देते हैं ताकि वो उनको कंसोल कर लें, एट पीस कर लें. ऑब्वियसली ट्रीटमेंट प्लान सारे मेरे होते हैं, एंड ट्रीटमेंट प्लान सब मैंने ही बताए होते हैं कि ऐसे ट्रीटमेंट प्लान करना है इसका, जो भी डायग्नोसिस वगैरह है. बट हमारा प्रोटोकॉल हमारा शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक, एवरी जब भी किसी को हम रिक्रूट करते हैं तो सबको यह बोलते हैं कि पेशेंट के साथ अपने पोलाइट रहना है. घर में आपके जो भी हालात हों वो हमें मतलब नहीं है उनसे, पर आपको पेशेंट के साथ बहुत पोलाइट रहना है. And one main question we want to ask you, don't you feel difficult to tackle small children during dental procedures? Yes, we do. And मैं वहाँ से एक latest technique भी अभी किसको conscious sedation हम कहते हैं वो भी मैं देख के आया हूँ. मैं actually tertiary care, मैं fortunate हूँ कि मैं tertiary care center में हूँ. तो पूरा जिसको हम कहते हैं under GA general anesthesia, पूरा बेहोश करके हम patient को treat कर लेते हैं. तो मैं तो बच्चों को वैसे भी करता हूँ OT में ले जाके. But not many dentists are fortunate enough to do like that, because टर्शी केयर सेंटर में नहीं है. सो दे डोंट नो द नो हाउ कि कैसे करना है. सो वो चेयर साइड ही हमें करना पड़ता है, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डू ऑन चेयर साइड. बट देर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड कॉन्शियस सेडेशन जो इस बार मैं देख के आया हूँ, एंड वो भी मैं अपने जल्दी ही इनकॉर्पोरेट करूँगा अपने क्लिनिक में. जब वो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं आप उनको कैसे हंसाते हैं फिर? उनके लिए हमने ना क्या कहते हैं टॉम एंड जेरी या उसके फेवरेट हम कार्टून्स पूछ लेते हैं कि कौन से हैं आपके, एंड फिर हम आगे उसको टीवी स्क्रीन, हमारे मॉनिटर्स लगे हैं तो वो टीवी स्क्रीन पे वो स्टार्ट कर देते हैं, चला देते हैं. वो असिस्टेंट्स को पहले ही गाइडेंस दी हुई है कि उसको चला दो. तो वो जब चलाते हैं तो उनका फोकस सारा ध्यान वहाँ पे हो जाता है, एंड दे फील हैप्पी, एंड देन वट एवर प्रोसीजर पेनफुल भी है उनके लिए पेनलेस हो जाता है. That's very good. And so you, as we all know that you are implantologist, so tell us what is implant and how is it difficult, different we can say
टू फिक्स टीथ रादर देन फिक्स टीथ? 8 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड में स्पेशली इस पे फोकस करते, 8 से 9 साल हो गए हैं। एंड इनिशियली इट वाज क्वाइट टफ टू टेल पीपल और बताना और उनको समझाना कि ये इम्प्लांट आप कराओ। इम्प्लांट लोगों को कंसेप्ट नहीं पता, इम्प्लांट जो होता है वो स्क्रू वाले दांत होते हैं, जैसे जैसे भगवान ने हमें नेचुरली हड्डी के अंदर दांत दिए हैं जिनकी रूट्स हड्डी के अंदर होती हैं, वैसे ही इम्प्लांट एक रूट की तरह है जो एक हड्डी में अंदर फिक्स हो जाता है। हड्डी में फिक्स होने पर उसके ऊपर कैप की तरह या क्राउन की तरह एक दांत लग जाता है जिसे हम अच्छी तरह मेस्टिकेट कर सकते हैं, खा सकते हैं, सारी चीज़ें खा सकते हैं। इज इट पेनफुल? इट्स बिल्कुल पेनफुल नहीं है। यही मिथ्स थे जो इनिशियली मुझे बहुत डिफिकल्ट था पेशेंट को कन्विंस करना। धीरे धीरे जब पेशेंट्स, आई हैव डन मोर देन 1000 इम्प्लांट्स राइट नाउ, और धीरे धीरे जब हम पेशेंट्स को करते गए और उनकी फीडबैक लेते गए तो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी हैं पेशेंट के, जहाँ पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आज आया हूँ और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, मतलब जब उन्होंने करवाया तब भी। और कई ऐसे पेशेंट्स मेरे थे जिन्होंने टॉक्स थी उस दिन इवनिंग में, कई मैनेजर्स थे, कई हीरो ग्रुप के मैनेजर्स थे या एक्स वाई जेड किसी कंपनी के मैनेजर्स थे, कई फार्मास्यूटिकल के मैनेजर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा टॉक करनी पड़ती है, कई टीचर्स थे जिन्होंने टॉक करनी थी, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ना ही स्वेलिंग होनी चाहिए, ना ही पेन होनी चाहिए, ना ही नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को डे टू डे में कोई दिक्कत हो। तो वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट एंड वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड पेशेंट आर वेरी हैप्पी। वी हैव गॉट टेस्टिमोनियल्स ऑफ द पेशेंट्स ऑल्सो वेयर दे से कि डॉक्टर साहब पता ही नहीं लगा कि और इम्प्लांट हो गया। सो दीज आर मैनी मैनी थिंग्स दैट वी डू एंड वी डू क्वाइट डिफरेंटली देन अदर्स जिसे वो पेनफुल नहीं होता। And what are the special facilities you are providing at your clinic? There are many other specialties which we do, and but specialties से सबसे ऊपर हमारा main focus हमारा sterilization पे रहता है। okay. Sterilization protocols हमारे बहुत high हैं, हम उसको 4 साइकिल से लेके जाते हैं। जब आपके इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप जब आप डेंटल चेयर पे बैठते हो और देखते हो कि आगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमारे वो 4 साइकिल से जाता है। वी हैव गॉट यूवी चैम्बर, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, वी हैव गॉट ऑटोक्लेव, वी हैव गॉट अदर क्लीनर्स ऑल्सो, केमिकल स्टरलाइजेशन ऑल्सो, सो वी हैव गॉट मैनी साइकिल्स टू कम अप। उसके साथ हमारे जो जनरली हम देखते हैं कि ऑर्थो ब्रेसिस होते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रूट कैनाल्स होती हैं, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग है, वी हैव गॉट ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड ऑल द लेटेस्ट टेक्निक्स। तभी इस जो मैं अभी US होके आया हूँ और उसका पर्पस भी यही होता है मेरा जाने का कि जो भी लेटेस्ट बाहर क्या हो रहा है, बाहर लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है, उसका पर्पस ये है कि वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपने हिंदुस्तानी लोगों को दें। ओके सर, नाउ मूव ऑन टू योर अचीवमेंट्स, यू हैव सो मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिकल्स टू योर नेम, टेल अस समथिंग अबाउट दैट। मैं ऑन एंड ऑफ लिखता भी हूँ, बहुत रेगुलर तो नहीं लिखता बट ऑन एंड ऑफ लिखता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन भी था USA में, इसी कॉन्फ्रेंस में, ये जो न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें इंडिया से मैंने ही पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है और बाकी जो थे वो न्यूयॉर्क से थे, अदर कंट्री से थे। डेंटल एसोसिएशन का एक हमारा इंटरनेशनल जर्नल आता है IDA टाइम्स के नाम से, उसमें मैंने 5 ईयर ओल्ड पेशेंट के अंडर जी रूट कैनाल्स की थी, तो एक हमारे आर्टिकल्स उसमें भी पब्लिश हुए हैं स्टडीज़ जो थी। और हमारे जर्नली भी मैंने आर्टिकल्स लिखता हूँ तो वो भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिश हुए हैं। पंजाब हु गेट सेलेक्टेड फॉर फेलोशिप फॉर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, ओके, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि बेसिकली व्हाट इज़ ICOI? ICOI है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, जो सबसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इम्प्लांट्स की वर्ल्ड ओवर। 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी ये, एंड इसका हेड ऑफिस जो है वो USA में है, न्यूजर्सी में। दुनिया के सारे तरफ से जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं वो इसकी फेलोशिप जब लेते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनकी वो लाइफ में, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू टेक द फेलोशिप। एटलीस्ट मुझे, मेरी मेहनत करीब 2 साल की है, इससे पहले मैं फेलो हूँ एकेडमी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, AOI उसको कहते हैं हम। okay. तो बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू दैट, तो आई न्यू कि ये इसको भी कैसे हमने फॉलोअप करना, बिकॉज इट्स मोर डिफिकल्ट। सो पहले नेशनल लेवल पर मैंने फेलोशिप ली हुई है और नेशनल लेवल पर इम्प्लांटोलॉजी की फेलोशिप लेने के बाद फिर मुझे पता था कि इसके क्राइटेरियाज और डिफिकल्ट हैं और टफ होगा, तो वो 2 साल से मेरी मेहनत लगातार चल रही है। इसमें हमें 20 डॉक्यूमेंटेड केसेस देने पड़ते हैं अपने फेलोशिप के लिए, जिसमें आपके कंप्लीटेड केसेस होने चाहिए और प्लस आपका 1 ईयर का फॉलोअप होना चाहिए कि 1 ईयर के बाद भी सक्सेसफुल आपके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपका एक रेफरल होना चाहिए किसी ICOI फेलो का कि वो आपको रेफर करे कि हाँ ये ही इज़ डूइंग वेरी गुड इम्प्लांट्स एंड वी हैव अ रेफरल लेटर फॉर हिम, रिकमेंडेड लेटर।
एंड देर आर वन और मोर क्राइटेरियाज ऑल्सो बिकॉज वो प्रोफाइल वगैरह भी सब देखते हैं तो देर मेनी थिंग्स टू इट सो शेयर योर एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग सच अ ग्रेट अचीवमेंट इन पंजाब माय एक्सपीरियंस इज लाइक आई वुड लाइक पीपल who are doing dentistry to not go away from dentistry. बड़े लोगों का अब thought है कि बाहर जाके settle हो जाएं या बाहर जाके कर लें dentistry. आपको इंडिया में ही सब कुछ मिल जाएगा but you should follow your dreams और dreams come always come true. सर जैसे आपकी wife हमारे साथ हैं उन्होंने हमें बताया कि वो भी पूरा role play करते हैं आपके साथ तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे want to give any message? हाँ मैं मैम को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइम और ज़्यादा दें बिकॉज हैंड इन हैंड 1+1=11 होते हैं एंड अगर आपकी बेटर हाफ हो तो वो बेटर ऐसे नहीं कहते उसको वो वर्क ही बेटर होती है तो आई थिंक कि उनका साथ में होना इज बहुत बड़ी बात है सर नाउ वी वॉन्ट टू आस्क यू वाई वी चूज डॉक्टर परमिंदर ग्रोवर एज बेस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन लुधियाना वी शुड चूज यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ इन योर वर्ड्स येस खैर आई डोंट बिलीव इन अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ मेरे को लगता है कि मेरे पेशेंट्स मेरी अगर अप्रिशिएशन करें तो वो बड़ी बात है वो आई फील प्राउड बट इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ दैट आई स्टार्टेड माई इम्प्लांटोलॉजी एंड नाउ आई एम डूइंग ऑल द सिस्टम्स तब मेरे को चूज़ करना चाहिए बिकॉज आई नो ईच एंड एवरी थिंग फ्राम बॉटम टू मतलब कोर टू बॉटम सब कुछ मुझे पता है इम्प्लांट्स का आई डू ऑल द सिस्टम्स आई फॉलो ऑल द प्रिंसिपल साइंस ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ या एक ही उस पर जा रहा हूँ आई डू स्टिचलेस इम्प्लांट्स जहाँ पे पेनलेस हम कहते हैं तो उसमें स्टिच भी नहीं लगता हम पंच करके इम्प्लांट्स कर देते हैं जहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल पता ही नहीं लगता देर इज़ नो इन्फ्लामेशन पेन नहीं होती पेशेंट को थर्डली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं कल स्टार्ट किया है मैंने इम्प्लांट करने और आप मैं आपको बोलूँ कि आओ आप मेरे से कर लो आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्प्लांटोलॉजी एट लास्ट सर वी वांट टू आस्क यू टू प्लीज़ शेयर सम व्यूज शेयर टू प्लीज़ गाइड जो यहाँ के हमारे व्यूअर्स हैं रेगुलर जो डेंटल हाइजीन केयर से रिलेटेड आप कोई टिप्स देना चाहेंगे उन्हें रेगुलर बेसिस मैं अभी यूएसए होके आया हूँ और वहाँ पे बड़ा बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है कि एवरी क्लिनिक हैज़ अ डेंटल हाइजीनिस्ट मेरे क्लिनिक में भी डेंटल हाइजीनिस्ट है पर यहाँ पे पेशेंट्स टर्न अप नहीं होते वहाँ पे फॉलो अप जो है वो एवरी 3 मंथ्स है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पेशेंट ने आके अपनी क्लिनिक करानी है उनको ये फॉलो अप है प्रोटोकॉल है और पेशेंट वहाँ समझता है कि हर एक 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद आपके डेंटिस्ट के पास जाओ बाकी आप घर पे अगर आप फिर भी अगर कोई किसी कारण से आप नहीं आते तो एटलीस्ट आप ब्रशिंग ट्वाइस करें एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में ओवरनाइट आप माउथ वॉश करें आप जो भी कोई खा रहे हैं उसमें फाइब्रस होनी चाहिए आपकी जो डाइट है वो फाइब्रस होनी चाहिए आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएँ जैसे हम आजकल देखते हैं जो ट्रेंड है वो बर्गर्स और पिज़्ज़ास का है वो अवॉइड करने चाहिए एंड सोडाज एंड एसिडिक जो फूड है वो अवॉइड करना चाहिए रात को डाइट जो होनी चाहिए वो हमारी कम होनी चाहिए बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए एंड द डाइट शुड बी लाइक मॉर्निंग में नट्स वगैरह हमारी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए एंड सर डू यू वांट टू रिकमेंड एनी स्पेशल टूथपेस्ट फॉर किड्स स्पेशली फॉर किड्स या देयर मैनी फॉर किड्स किड्स की किटोडेंट आती है फिर ये कोलगेट की आती है फॉर किड्स आती है सेंसोडाइन की भी आती है किड्स के लिए ओनली थिंग वट यू हैव टू लुक इन टू इट कि हमारी जो फ्लोराइड लेवल्स हैं फ्लोराइड लेवल हमारे 500 PPM हो बस वो हमें एक मेन चीज़ देखनी है अदरवाइज फ्लेवर्स बथेरे बहुत आते हैं उसमें एंड देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ इन द मार्केट सो द मेन फोकस शुड बी लाइक इट शुडंट बी एसिडिक कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ ना हो हर्बल हो नेचुरल हो एंड उसके 500 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड लेवल हो उसमें थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम